नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुष्मान कार्ड के न्यू पोर्टल के बारे में। दोस्तों यहां पर आयुष्मान कार्ड का न्यू पोर्टल यहां पर दोस्तों यहां पर लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों आप यहां पर एक ही पोर्टल से यहाँ पर आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आयुष्मान कार्ड का सारा काम आप कर सकते हैं एक ही पोर्टल से। तो दोस्तों कौन सा पोर्टल है, उस पोर्टल पर कैसे जाना है, उस पोर्टल को किस तरह से यूज करना है, तो दोस्तों आपको सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों मेरा नाम है दिलखुश और आप देख रहे हैं ऑनलाइन दिलखुश यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी यहां पर ऑल प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों इस कमाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आयुष्मान कार्ड के न्यू पोर्टल पे जाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल फोन का या कंप्यूटर का या लैपटॉप का कोई एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप कर देना है, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है PMJ, आपको यह टाइप कर देना है PMJ.gov.in, ये आपको यहाँ पर टाइप करके सर्च कर देना है। तो सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, न्यू पोर्टल पर जाना है, तो आपको क्या करना है, आपको नीचे की ओर आ जाना है, आपको आपको सबसे नीचे की ओर आ जाना है, जैसे हमारे उसी तरह से आपको भी आना है। तो यहाँ पर आपको आ जाना है नीचे की ओर और आते जाना है आपको नीचे की ओर, पूरे आपको नीचे की ओर आ जाना है। और यहाँ पर एक शो कर यहाँ पर क्विक लिंक, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल करते जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको इस तरह से स्क्रॉल करते जाना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन शो कर यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल का, यहाँ पर पोर्टल का ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है पोर्टल वाला पे। चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं पोर्टल वाले पे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ सेकंड वेट कर लेना है। तो वेट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे की ओर आ जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं होम शो करा है पोर्टल, यहाँ पर देख सकते हैं पोर्टल नीचे आ जाना है आपको। तो नीचे आने वाले यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर आयुष्मान कार्ड का यहाँ पर ऑप्शन शो करें, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको चलिए यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन शो करें पहले बताते हैं। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कर देना, नीचे आ जाना यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट मोड पे आपको क्लिक कर देना है, अगर आप मोबाइल से यहाँ पर कर रहे हैं तो। करने के बाद आपको नीचे आ जाना, यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में शो करा है बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अपना आयुष्मान कार्ड यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड आयुष्मान कार्ड, इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर आयुष्मान कार्ड यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम और ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा यहाँ पर ऑप्शन एड हुआ है, तो इसको यहाँ पर हम कट कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हॉस्पिटल का, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनेजमेंट क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीवेंस पोर्टल, अपना यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर आयुष्मान कार्ड के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आप यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं ग्रीवेंस पोर्टल पर। फिर अपना यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आप आयुष्मान कार्ड बनाने योग्य हैं कि नहीं, तो अपना यहाँ से कर सकते हैं एलिजिबिलिटी। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन यहाँ जो दिया, यहाँ पर देख सकते हैं आपके द्वारा आयुष्मान कार्ड अपना यहाँ से लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं CAPF, यहाँ पर देख सकते हैं आयुष्मान, यहाँ पर देख सकते हैं आयुष्मान CAPF का यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, अपना यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते थे, हमारी एलिजिबिलिटी एलिजिबल पर क्लिक कर देना, इसे क्लिक किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर लॉग इन करना पड़ेगा, अपने मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा डाल के आप यहाँ पर गेट ओटीपी क्लिक करके लॉग इन करके अपने यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आप आयुष्मान कार्ड बनाने योग्य हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फिर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन है ग्रीवेंस पोर्टल, इस पर अगर क्लिक करते हैं तो आप ग्रीवेंस पोर्टल पर आप यहाँ पर डायरेक्ट चल जाएंगे। दोस्तों एक ही पोर्टल से आप यहाँ पर सारा काम कर सकते हैं, आपको कहीं दूसरी वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही पोर्टल में यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीवेंस वाला पोर्टल यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैक योर ग्रीवेंस, यहाँ पर रजिस्टर योर ग्रीवेंस, आप रजिस्टर योर ग्रीवेंस पे क्लिक करके यहाँ पर ग्रीवेंस यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही पोर्टल से आप यहाँ पर सभी यहाँ पर लिंक पे आप डाल जा सकते हैं, पर आपको यहाँ पर कोई दूसरा यहाँ पर ब्राउजर यहाँ पर ओपन करके यहाँ पर सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ पर एक ही यहाँ पर पोर्टल ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर सारा चीज़ यहाँ पर ऑप्शन पर आप चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम यही बताना चाहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर आयुष्मान कार्ड का यहाँ पर न्यू पोर्टल दोस्तों यहाँ पर लॉन्च किया गया है। दोस्तों इस पोर्टल से आप यहाँ पर सभी काम आप एक ही पोर्टल से यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन भी यहाँ पर एड किया गया है। तो दोस्तों इसी के बारे में हम आपको बताना चाहते थे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।